टाइप ऑफ फोर्सेस। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया यूनिट फोर्स। फोर्स के अंदर सबसे पहले टाइप ऑफ फोर्स। तो कई लोग सोचते हैं कि अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं टाइप ऑफ, सर क्वेश्चन आएगा स्कूल में टाइप ऑफ फोर्स? नहीं भाई, कुछ नहीं आएगा इसमें से। आप कहोगे हर टॉपिक में बोल देते हो कुछ नहीं आएगा और फिर पढ़ा देते हैं, फिर कर क्यों रहे हैं? देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, सपोज करो कि आपका एक ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ, इंडिया में नहीं आउट ऑफ कंट्री हुआ, आपने जी सपोज सिंगापुर जाना है, अब पहली बार जाना है, एक्साइटमेंट होती है, अब क्या करते हो? सबसे पहले मतलब अच्छा लगता है कि चलो यार टिकट बुक हो गई हम जाएंगे, फिर आप देखते हो सिंगापुर है कहाँ यार, देखूं सही, इंडिया में तो पता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, सिंगापुर कहाँ पर है? आप ना गूगल मैप खोलते हो, मैप्स खोलते हो, अच्छा इधर जाना है, ठीक। फिर जब इधर जाते हो आपको पता लगता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही है। ठीक वैसे ही फिजिक्स बनाने वालों ने बिल्कुल आपको एक, अब ये जो ये चैप्टर का एक जो इंट्रोडक्शन है, एक प्लेन में बिठा दिया। अब आप एक एरोप्लेन में हो, आपका ट्रिप स्टार्ट हो गया, 2 साल का ट्रिप है, लेकिन आपको ना मैप में दिखाया जा रहा है कि अब आपको चीज़ें कैसे दिखेंगी। अभी हम उड़ नहीं रहे, सिर्फ मैप दिखाया जा रहा है प्लेन के अंदर, देखो मैं आपका पायलट हूँ, आपको रास्ते में ये कंट्रीज दिखेंगी और ये स्टेशन आएंगे। तो आप ये ना पूछें कि सर यहाँ पे उतारे? नहीं नहीं मैं उतार नहीं सकता क्योंकि जाना मेरे को कहीं और है, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक या एंड जर्नी में हम क्या देखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन 2 साल की इंट्रोडक्शन है, प्लीज ये चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स को क्लासिफाई किया गया, सबसे पहली टाइप ऑफ फोर्स है ग्रेविटी की फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन का लॉ gm1m2/r², वो सेब क्यों गिरा था अर्थ की तरफ, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दुनिया में एग्जिस्ट करती है, पहली फोर्स है। हम जो स्टडी करेंगे कब करेंगे? अक्टूबर में करेंगे। तो आपको आज क्यों बता रहा हूं कि ये एक टाइप की फोर्स है दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है। दूसरे टाइप की फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होने का रीजन जो होता है वो चार्ज होता है। कूलम फोर्स जैसे आपने सुना होगा, ये हम करेंगे नहीं पर प्लस टू का पार्ट है ये। कूलम फोर्स बेसिकली क्या होती है? तो चार्जेस की फोर्स होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन प्लस टू में करवाई जाएगी, प्लस वन में नहीं। तो ये कूलम फोर्स है। अब कूलम फोर्स किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। क्वेश्चन प्लस वन में क्या आएगा सुन लो, क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, किसी ने हैंड शेक किया, हाथ मिलाया दूसरे के साथ, कौन सी फोर्स है दोनों के बीच में? कूलम फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्यों? क्योंकि जब आप हाथ मिलाते हो एटम एटम मिलते हैं, अंदर बॉन्ड बनने की कोशिश करती हैं, तो फ्रिक्शन भी होती है। देखो अंदर क्वेश्चन आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो कैसे? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रखी जाती है तो अंदर अपने आप ही बॉन्ड बन जाते हैं और आप उन बॉन्ड्स को तोड़ने की कोशिश करते हो, तभी आप फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हो। फ्रिक्शन होने का रीजन यही है, चार्जेस जो हैं वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि लाखों करोड़ों बॉन्ड बन जाते हैं इकट्ठे, टूटने मुश्किल हो जाते हैं, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हो, एक आध बॉन्ड से तो पता नहीं लगेगा कब टूट गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। रस्सी टाइट है, रस्सी एकदम टाइट हो गई, कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि रस्सी के अंदर एटम ही एटम है, तो अंदर बॉन्ड बना के बैठा हुआ है वो रस्सी के अंदर, इतनी मोटी रस्सी है, करोड़ों करोड़ों बॉन्ड्स बने हुए हैं एक रस्सी के दूसरे पार्ट से, टूट टूट नहीं रही रस्सी, टूटती नहीं है। पतली रस्सी जितनी पतली होगी, धागा होगा, वो करोड़ों की जगह लाखों हो जाएंगे, तोड़नी आसान है। पतला धागा होगा तो हजारों में हो जाएंगे, तोड़नी और आसान है। मोटी रस्सी लोगे तो करोड़ों करोड़ों हो जाएंगे, टूटते नहीं है। समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। क्वेश्चन आएगा हैंड शेक, फ्रिक्शन, ये रस्सी की फोर्स। रस्सी की फोर्स को टेंशन बोलते हैं वैसे, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ऐसा हम करेंगे आने वाले टाइम में, जैसे रीजन बता रहा हूं ये क्या है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस में क्या एग्जिस्ट करता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये कूलम फोर्स नहीं है। कूलम फोर्स होती है पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, ये वो नहीं है। ये फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर की फोर्स, जो कि प्रोटोन प्रोटोन के बीच में है, ये प्रोटोन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, आपको न्यूट्रॉन 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 तो न्यूट्रल होते हैं, इनकी कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, न्यूक्लियर है, होती है न्यूक्लियस के अंदर, ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स है जो हम प्लस टू में स्टडी करेंगे, इस प्लस वन तो करेंगे ही नहीं। तो जो अंडरलाइन करने वाली चीज है या जो लिखने वाली चीज है वो एक ही है, अगली बार शीट दूंगा इसकी, वो ये कि अगर आपकी जो आपका जो दो पार्टिकल में डिस्टेंस है,
दो चार्जेस में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन में डिस्टेंस 10^-14 मीटर से कम है या ज्यादा है? पहले ज्यादा करते हैं, अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स कमजोर है और कूलम फोर्स स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर यह डिस्टेंस 10^-15 मीटर से छोटा हो जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है, कूलम फोर्स वीक हो जाती है। ये स्टेटमेंट कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है, 10^-14, 10^-15। नेक्स्ट टाइम शीट दूंगा, अंडरलाइन करवा दूंगा, नेक्स्ट टाइम पोटेंशियल नहीं, ठीक। तो यानी कि न्यूक्लियर फोर्स फिक्स नहीं है, कभी ये कूलम फोर्स से ज्यादा हो जाती है और कभी ये कूलम फोर्स से कम हो जाती है। पर एक्चुअल में जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा, न्यूक्लियर से बहुत छोटा होता है और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल बहुत छोटा होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत बड़ी होती है। तभी तो न्यूक्लियर वो जो बॉम्ब्स भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि फोर्स बड़ी स्ट्रांग है, फोर्स बहुत स्ट्रांग है। तो जब टूटता है न्यूक्लियस तो बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी निकलती है, तोड़ना कौन सा आसान है न्यूक्लियस को, राइट? तो ये बहुत स्ट्रांग फोर्स है। अब एक है वीक फोर्स, ये तो हम प्लस टू के बिल्कुल एंड में एक लाइन में स्टडी करेंगे। न्यूट्रॉन प्रोटोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसा है, ये तो पहली बार सुने, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन है, प्रोटोन तो प्रोटोन है। ये तो वही बात होगी कि कोई भी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, स्टूडेंट नहीं हो सकता, ये हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस टूटता है ना तो अंदर न्यूक्लियस में पड़े न्यूट्रॉन प्रोटोन बन जाते हैं या प्रोटोन न्यूट्रॉन बन जाते हैं। तो ये जो फोर्स इसमें रिक्वायर्ड होती है कन्वर्जन की, उसको हम क्या बोलते हैं, वीक फोर्स। प्लस टू का पार्ट है। तो फिर प्लस वन का क्या पार्ट है? प्लस वन का पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेविटी की फोर्स है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सारी नहीं स्टडी करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टडी करेंगे और टेंशन भी स्टडी करेंगे, कुछ कुछ पार्ट स्टडी करेंगे। अब आपने सुना होगा इंग्लिश मूवीज में, एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान जिसको फिजिक्स को ज़्यादा ही आ जाती है और उसको बहुत इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो फोर्सेज एनर्जी के साथ खेलता है और कुछ तबाही तो ही मचा देता है, फिर उसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता और फिर वो गुस्से में आ जाता है, फिर वो कहता है अच्छा मुझे नहीं दिया, मैं करके दिखा, दुनिया तबाह करके दिखाऊंगा। फिर पैदा होता है स्पाइडरमैन जो उसको रोकता है, ऐसा कुछ होता है स्पाइडरमैन की मूवीज में, नॉर्मली ऐसा होता है। तो वो इंग्लिश में पहले बहुत पहले प्रोफेसर होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च करते हैं। तो आपने सुना होगा इंग्लिश मूवीज में कि आई एम वर्किंग ऑन क्वांटम फिजिक्स, ये नॉर्मल है, वो कभी नहीं बोलते क्लासिकल, क्वांटम क्वांटम करते रहते हैं, बहुत इंग्लिश मूवीज में सुना होगा। क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स दो किस्म में फिजिक्स को डिवाइड किया गया। अगर आपका पार्टिकल का साइज 10^-6 मीटर से बड़ा है, जैसे आपकी गाड़ी, ट्रक, आप खुद, कोई भी पार्टिकल, उसके ऊपर नॉर्मल न्यूटन के लॉस, थर्मो के लॉस, नॉर्मल फिजिक्स काम करती है, सारे लॉस काम करते हैं, तो इस फिजिक्स को क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, जिनका साइज बहुत छोटा है, कितना, इससे भी छोटा है, तो उनके ऊपर ये लॉज एप्लीकेबल नहीं है, उनके ऊपर न्यूक्लियर फिजिक्स काम करती है, उनके ऊपर क्वांटम फिजिक्स काम करती है और उनके लॉज अलग हैं, लॉज हैं या उनका कॉन्सेप्ट अलग है, उनके न्यूटन न्यूटन के लॉज नहीं चलते, तो किस कैटेगरी में जाती है, क्वांटम फिजिक्स। हम प्लस वन में स्टडी करेंगे क्लासिकल फिजिक्स, हम प्लस टू के एंड में 1/4 ऑफ सिलेबस स्टडी करेंगे क्वांटम फिजिक्स, वो भी हल्की सी, ज्यादा नहीं। समझ में आया यहां तक? तो ये इंट्रोडक्शन टू फोर्स है, इसमें से आना कुछ नहीं है, पर हाँ फोर्स पूरा नक्शा दिखा दिया आपको प्लस वन प्लस टू का, ऐसा है। अगली बार मजेदार लेक्चर है और बहुत इंटरेस्टिंग है, फोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक।